सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स के तीनों तीन मोशंस देख लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. अभी ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि किस तरह से डिस्टेंस और स्पीड सर्कुलर पाथ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. एज्यूम करो ये एक सर्कल है, ठीक है. अभी ए मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ओके. ए मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या किया है, उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया अपना पूरा, यहाँ से यहाँ तक. अगेन ही विल रिच द सेम पॉइंट वेयर ही हैज स्टार्टेड द जर्नी, ओके. इन विच दे आर, ये सेंटर है बीच में, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाता है दैट इज रेडियस. ही हैज कवर द डिस्टेंस इन द टाइम टी, ठीक है. जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे जाके वो क्या हो गया, रुक गया. तो उसमें हम लोग उसका स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डिस्टेंस, ओके. डिस्टेंस का फॉर्मूला है. अभी हम लोग को डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, यहाँ पे उसने क्या ट्रैवल किया, एक सर्कुलर है, ठीक है. सर्कल है तो सर्कल का हम लोग को क्या मिलेगा, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर. 2 पाई आर इज नथिंग बट उसका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है. अभी ये पाई का वैल्यू, जो पाई है, ठीक है, पाई का वैल्यू डिपेंड्स करता है कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स में किस तरह से दिया गया है कि नहीं. अगर नहीं दिया गया है तो वी आर यूजिंग 22/7, और अगर उसका और एक वैल्यू क्या है, 3.14, ठीक है. अभी इट्स डिपेंड ऑन योर टीचर कि वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें न्यूमेरिकल्स में उसका पाई का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो यूज करना, नहीं दिया रहेगा तो 22/7 ही यूज करना, ठीक है. अभी ये हम लोग को क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया. अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, और टाइम क्या है, और टाइम क्या है, टी है. सो हियर वी आर गेटिंग द डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं सर्कुलर पाथ पे, और उसका स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग को पता चला, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यूटन्स के लॉ के मोशन, न्यूटन्स लॉ, ठीक है. हम लोग अभी क्या देखेंगे, न्यूटन्स के लॉ देखेंगे. न्यूटन के कितने लॉ है, जैसे कि वो लॉ ऑफ मोशन था वैसे ही यहाँ पे न्यूटन्स के 3 लॉ है, ठीक है. थोड़े डिफरेंस है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन से, न्यूटन कौन था. न्यूटन, एज यू नो, मैंने स्टार्टिंग के ही फर्स्ट में ही आपको बता दिया था, न्यूटन इज अ साइंटिस्ट, ठीक है. उसने क्या डिस्कवर किया था, ग्रेविटी का डिस्कवर किया था, और भी बहुत कुछ कुछ उसने डिस्कवर, उन्होंने डिस्कवर करके रखा है. लेट अस सी द न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हमें बताता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन द रेट और इन द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है. अब ये मतलब होता क्या है, लेट अस सी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट, अभी आपके घर में कोई भी बॉल, अभी बहुत सारे बॉल्स पड़े ही रहते हैं किसी के भी घर में. अभी सपोज अज्यूम करो आपके घर में यहाँ पे ये फ्लोर पे, ठीक है, ये फ्लोर है, यहाँ पे क्या है, एक बॉल ऐसे ही रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है. अभी ये बॉल कैसे रहेगा, ये बॉल रहेगा रेस्ट पोजीशन पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें मोशन होगा नहीं होगा. हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मोशन किसमें होता है, कौन सा रेस्ट होता है, किसमें मोशन प्रेजेंट है, किसमें मोशन एब्सेंट है. तो ये बॉल कैसा है, स्टील है, ठीक है. ये आपका घर का, सपोज एज्यूम कर लो ये आपका घर के फ्लोर है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, बॉल ऐसे ही पड़ा हुआ है. ये बॉल ऐसा का ऐसे ही रहेगा जब तक उसके अंदर क्या नहीं होगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तुम लोग क्या है, अप्लाई नहीं करते, ठीक है. अगर कोई बच्चे ने क्या किया, सपोज उसको धक्का दिया, ठीक है, बॉल को ऐसा थोड़ा सा स्लाइड किया, तो ये बॉल कैसे जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ से ये प्लेस पर क्या हो जाएगा, ट्रेवल कर लेगा. मीन्स कैसा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा. मीन्स क्या, जो रिमेन रेस्ट पोजिशन पे था वो कैसे हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे यूज किया है. मीन्स क्या, जो हमारा फोर्स रहता है दैट इज नॉट बैलेंस. अगर बैलेंस रहता तो वो हिलता भी नहीं, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी.
तो हम लोग ने क्या किया, उसको हम लोग ने क्या किया, बॉल को उसको धक्का मारा, धक्का दिया तो क्या हो गया, मोशन में आ गया, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया ताकि वो क्या हो सके, मूव हो सके, ठीक है। उसको ही यहाँ पे क्या बताया है, उसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, अगर सब लोग सपोज आपने सब लोग ने खेले होंगे टग ऑफ वार, तो आप लोग ने खेला ही होगा, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे दो टीम्स रहती है, एक यहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है, दो टीम्स रहती है, वो क्या होल्ड करते हैं, एक थ्रेड होल्ड करते हैं, ठीक है, बड़ा सा रस्सी रहता है, वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पे भी 10 लोग है, यहाँ पर 10 लोग है और यहाँ पर भी 10 लोग है, तो क्या कर रहे, खींच रहे एक दूसरे, क्या करते हैं यहाँ पे रस्सी, उन लोग क्या करते हैं, खींच रहे एक एक दूसरे के साइड में। अगर दोनों भी रस्सी एक भी साइड पे क्या नहीं हो रही, झुक नहीं रही है, मतलब कि दोनों के फोर्स कैसे हो रहा है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स कैसा होगा, बैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। अगर वहीं पे मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पीपल को यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वीक पीपल को खड़ा कर देती हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो थ्रेड है वो कहाँ पे किसकी और ज्यादा ले लेंगे, उन लोग खींचेंगे स्ट्रॉन्ग पीपल, बट ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग पीपल ज्यादा जोर से खींच लेंगे तो थ्रेड कहाँ पे आ जाएगा, उनकी तरफ हो जाएंगे, और ये लोग क्या कर लेंगे, विन कर लेंगे। और यहाँ पे जो बैलेंस है, तो वो कैसे बैलेंस हो जाएगा, इट विल बी लाइक अ अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने समझा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअसली रिमेन रेस्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया था, कंटिन्यूअसली वो कैसा था, रेस्ट पोजीशन पे था, ठीक है, उसके बाद में इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर उसके अंदर क्या करती हूँ मैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करती हूँ, अगर उसको क्या करती हूँ, उसको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो वो कैसे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगी उसमें तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। दिस इज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।